हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मैथ्स मेंटल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 के साइंस विषय के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पर। तो आज का पहला सवाल है, बल का एसआई मात्रक है, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल कहलाता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्टेड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी पृथ्वी बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक करेंट प्रोड्यूसेस, हीटिंग इफेक्ट्स ओनली, केमिकल इफेक्ट्स ओनली, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ओनली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर। क्या है? हीटिंग, मैग्नेटिक एंड केमिकल इफेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव को कहते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करेंट कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है, विच टाइप ऑफ लेंस इज फाउंड इन ह्यूमन आई। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, यानी कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सूर्य का ग्रह नहीं है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्लानेट ऑफ द सन। तो सन का कौन सा प्लानेट नहीं है? सीरियस प्लानेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि संचरित हो सकती है, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस, ठोसों द्रवों तथा गैसों में ध्वनि संचरित हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसर्ग ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड का फ्रीक्वेंसी होता है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर अर्थक्वेक। तो इसका आंसर हो जाएगा रिएक्टर स्केल, यानी रिएक्टर पैमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है, विच सॉफ्ट मेटल कैन बी कट विथ ए नाइफ। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम को हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं। अगला प्रश्न है, दहन के लिए आवश्यक है, बर्निंग नीड्स। तो दहन के लिए क्या आवश्यक है? हवा की आवश्यकता होती है, यानी एयर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्राकृतिक रेशा है, तो प्राकृतिक रेशा, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर इसमें क्या है? सिल्क। सिल्क जो है, यानी रेशम जो है, वो नेचुरल फाइबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेयन, रेयन एक रेशा है, रेयन इज ए फैब्रिक। किस तरह का रेशा है रेयन? प्राकृतिक रेशा है, संश्लेषित रेशा है, प्लास्टिक है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा संश्लेषित रेशा, यानी सिंथेटिक फाइबर है, कौन? रेयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः गैस होती है, इन नेचुरल गैस मैन गैस। नेचुरल गैस में मैन गैस क्या होता है? मीथेन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन, यानी ऑप्शन नंबर वन। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, विच इज एबसेंट इन एन एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या एबसेंट होता है? तो सेल वॉल एबसेंट रहता है एनिमल सेल में, यानी कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज कॉल्ड द एनर्जी प्लैनेट ऑफ द सेल। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस भी कहते हैं। नेक्स्ट है, सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं, वेयर आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पाए जाते हैं? जल में भी पाए जाते हैं, वायु में भी, मिट्टी में भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एंटीबायोटिक। इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है एक प्रतिजैविक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।